जी हम फ़ोन की सफाई कर रहे हैं और बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ करना, क्योंकि मोबाइल कैमरे से ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में नॉइस तो आएगी, क्योंकि काम के टाइम पे जब भी आप ऐसे वीडियो बनाते हो तो बैकग्राउंड में नॉइस तो रहती ही है। तो ये ओप्पो F15 है जिसमें हम फोल्डर चेंज कर रहे हैं। ये इस पे हम इसका जो पुराने वाला फोल्डर था वो चेक करते हैं, क्योंकि है तो ये भी पूरी तरह से ठीक है पर इसमें जो आधी टच है वो वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पे वीडियो फॉरवर्ड की गई है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, तो आप देखते रहें, इस वीडियो में बने रहें। जी अब आप देख सकते हैं कि जब हम नोटिफिकेशन की तरफ से नीचे को खींचते हैं तो कुछ नहीं आता है, और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि हम फ़ोन का आइकन जब हिलाते हैं तो आधे से ऊपर जब ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं जाता है, मतलब कि यहाँ से ऊपर की जो भी टच है ये वाली, ये पूरी तरह से ख़राब है, जो कि अब हमें फोल्डर ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये फोल्डर निकाल देते हैं और इसकी जगह पे यहाँ पे हम दूसरा फोल्डर चेक करते हैं। ये हमारा दूसरा फोल्डर है, अब हम इसको लगा के चेक करते हैं और देखते हैं कि ये चल पाता है या नहीं। ये एक OG फोल्डर नहीं है, मतलब कि एक कॉपी फोल्डर है, इसमें जो आपका फ्रंट फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो वर्क नहीं करता है। F15 जो मॉडल है इसमें फ्रंट फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है। तो ये फ़ोन की बूटिंग हो रही है और इसको मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि बूटिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। अब आप देख सकते हो कि जो ये टच है ये पूरी तरह से वर्क कर रही है, नोटिफिकेशन पैनल भी आ गया है, और अगर आप देखें तो जहाँ पे हमारे दूसरे फोल्डर में टच नहीं चल रही थी वहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो फोल्डर था उसी में ही कुछ दिक्कत थी। तो अब इसको हम इसमें लगाते हैं, अभी इसको निकालते हैं और थोड़ी सी इसमें ग्लू लगा के इसको फिक्स करते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ ईयर स्पीकर के पास एक ग्रिल आती है, वो थोड़ी सी टूटी हुई है साइड से, तो आप देख सकते हो कि कितनी छोटी सी एक टुकड़ा है जो टूटा है, जिसको हम इस पे सेट कर रहे हैं, जो कि आपका बहुत बारीकी काम है। ये आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो अगर ये छोटी सी चीज़ गुम हो जाए तो आपका ये सारा ही ऊपर का जितनी भी ग्रिल है ख़राब हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह से लग चुका है। अब जो फोल्डर के ऊपर अलग से पन्नियां लग के आती हैं इनको निकाल लेते हैं। और अब इस पे हम लगाते हैं और देखना ये रहता है इसमें कि आपकी जो फिटिंग है वो पूरी प्रॉपर आए, टॉप टू बॉटम तक, जो आपको बड़े ही ध्यान से इस पे लगाना होता है।
और पूरा चारों तरफ से आपको एक बराबर जोर देना होता है इस पे, कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ से ज़्यादा जोर लगाएं और वहाँ से कॉम्बो टूट जाए। तो इसका आप ध्यान ज़रूर रखें हर बार जब भी कोई फ़ोन आप रिपेयर करें। ये आप देख सकते हो कि हर जगह से प्रॉपर बैठ चुका है, और उसके बाद जितने भी आपने कंपोनेंट इससे निकाले हुए हैं उनको प्रॉपरली आप जिस तरह से वो पहले लगे हुए थे उसी तरह से उनको वापस लगाएं, नहीं तो आपको एक ही फ़ोन बार बार खोलना पड़ेगा किसी दूसरी दिक्कत के लिए, जिससे आपका कस्टमर भी बोलेगा कि आपने अच्छी तरह से रिपेयर नहीं किया है। और आप देख सकते हो कि मैंने पूरी तरह से फ़ोन को पैक कर दिया है। अब जो बैक ढक्कन है वो लगाना है, वो भी लग गया है। और अब इसमें जो हमारा काम बच चुका है वो स्क्रू लगाने का है, तो स्क्रू भी लगा लेते हैं। स्क्रू लगाने के बाद हम इसको बूट अप करते हैं और देखते हैं कि हमारा कॉम्बो प्रॉपरली ऑन हो रहा है या नहीं। तो अब देख सकते हो कि ऑन हो गया है फ़ोन। तो अब जो इस पे एक और चीज़ है, इसका जो बैक ढक्कन है उसको भी लगाना होता है, जो कि फिर एक बार हम इस पे ग्लू लगाएंगे। चलो ठीक है, मैं बोलूँ ठीक है अभी फ़ोन ऑन हो रहा है जो आप देख पा रहे हो। तो बाकी आप साइडों पे भी देख सकते हो कि फिटिंग किस तरह से है, और इस पे भी आप थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा लो ताकि वो आपका जो ढक्कन है वो इस पे चिपक जाए पूरी तरह से। तो नॉर्मल ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, नहीं तो बाहर निकल जाएगा इससे। बिल्कुल कोने कोने पे आप थोड़ा थोड़ा लगवा लो ताकि आपका जो ढक्कन है वो छूटे ना। यहाँ पे आपको ज़्यादा ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लगाओगे तो आपको अगली बार अगर उतारना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और कई सारे भाई हैं जो कि रबड़ लगाते हैं, तो वो भी सही है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो सेलो टेप। इसका फ़ायदा मुझे जो लगा है वो ये है कि एकदम से चिपक जाती है और ना ही फ़ोन को ज़्यादातर टाइट करती है, जिससे कि कई बार होता है कि हमारे कॉम्बो में ब्रेकेज आ जाती है। और ये मुझे रबड़ के साथ ज़्यादातर लगी है, क्योंकि जब भी मैं ज़्यादातर रबड़ का यूज़ करता हूँ तो वो बहुत टाइट हो जाता है उससे, इसलिए मैं लगभग टेप का ही यूज़ करता हूँ, सेलो टेप का, जो कि मेरे हिसाब से मुझे अच्छी लगी। बाकी आपका आप अपना नज़रिया है, आपका अपना अपनी आदत है, जो भी आप लगाना चाहो दोनों ही चीज़ें सही है, चाहे रबड़ लगाओ चाहे टेप लगाओ। मैं टेप का ही यूज़ करता हूँ मैक्सिमम, जिससे कि फ़ोन चलाने के लिए भी आप अभी से ही यूज़ कर सकते हो इजीली। ये टेपिंग पूरी होने वाली है और बिल्कुल प्रॉपर आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो फ्रेम में आपका जो फोल्डर प्रॉपर बैठा है या नहीं।
और मैंने इसमें कस्टमर की सिम भी उसको साथ में ही डाल के दे दी ताकि वो साथ में ही इसको यूज़ कर सके। ये आप देख पा रहे हो, अभी तो मैं टेपिंग कर रहा हूँ, मैंने साथ साथ में ही इसमें सिम भी डाल दी है ताकि कस्टमर फ़ोन को यूज़ भी कर सके। अगर मैं यहाँ पे रबड़ का यूज़ करता तो शायद कस्टमर इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि वो बीच में टच पे भी आ जाते हैं। तो टेप से एक फ़ायदा है कि आपका फ़ोन कस्टमर यूज़ भी कर सकता है और 3-4 घंटे आज देख 2 घंटे बाद इस टेप को निकाल के वो नॉर्मली अपना फ़ोन यूज़ कर पाएगा। आप देख पा रहे हो टेपिंग हो चुकी है और फ़ोन तो हमने पहले ही बूट कर दिया है। इनके थोड़े कुछ बटन में दिक्कत थी जो कि प्रॉपर तरीके से आपका दब नहीं रहा था, तभी उसको चेक कर रहे थे। अब आप ये देख रहे हो ये आप टच चेक कर पा रहे हो कि टच बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है। आप चेक कर सकते हो कि टच और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करी। इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क रहेगा कि आपका जो फ्रंट फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो वर्क नहीं करेगा, बाकी आपका ये फ़ोन तैयार हो चुका है। और आप फिटिंग भी देख सकते हो, साइड से जो एक्स्ट्रा ग्लू है उसको आप हाथों से रिमूव कर सकते हो और फिटिंग एकदम बिल्कुल प्रॉपर आई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे इस चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।